हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कविता चौहान और आज हम बात करेंगे बर्जेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी के बारे में, और इसमें भी हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे फर्स्ट एडिशन में। तो ये पार्ट फिफ्थ है माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी का। बर्जेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी को पहले बर्जेस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता था, जिसमें टोटल 9 एडिशंस थे। फर्स्ट 8 एडिशन बर्जेस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी के नाम से थे, एंड जो 9th एडिशन थी उसको रिवाइज किया गया बिटवीन 1984 एंड 1989 में, और अपीयर किया गया 4 वॉल्यूम्स में एक नए नाम के साथ, बर्जेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी। इन 4 वॉल्यूम्स में बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया 33 सेक्शंस में, जो कि प्राइमरीली बेस्ड था फिनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज जनरल शेप एंड मॉर्फोलॉजी, ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर्स, मोटिलिटी, ऑक्सीजन रिलेशनशिप, मोड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड सो फोर्थ। वॉल्यूम फर्स्ट अपीयर हुई 1984 में और इसमें 1 to 11 सेक्शंस थे। वॉल्यूम सेकेंड अपीयर हुई 1986 में और इसमें 12 to 17 सेक्शंस थे। वॉल्यूम थर्ड अपीयर हुई 1989 में और इसमें 18 to 25 सेक्शंस थे। वॉल्यूम फोर अपीयर हुई 1991 में और इसमें 26 to 33 सेक्शंस थे। वॉल्यूम फर्स्ट में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि जनरल मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस के थे, वो आ जाते हैं। वॉल्यूम सेकेंड में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आते हैं अदर देन एक्टिनोमाइसिटीज। वॉल्यूम थर्ड में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं जिनमें डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड साइनोबैक्टीरिया आते हैं और आर्किबैक्टीरिया आ जाते हैं। वॉल्यूम फोर में एक्टिनोमाइसिटीज आते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं। बर्जेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी में सारे बैक्टीरिया को प्लेस किया गया किंगडम प्रोकैरियोट में और डिवाइड किया गया 4 डिवीजन एंड 7 क्लासेस में। डिवीजन 1 में ग्रेसिलिक्यूट्स आते हैं, इनमें लो लेवल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डिवीजन 2 में फर्मिक्यूट्स आते हैं, इनमें हाई लेवल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, दैट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। डिवीजन 3 में टेनेरिक्यूट्स आते हैं, इनमें सॉफ्ट और टेंडर स्किन होती है। डिवीजन 4 में मेंडोसिक्यूट्स आते हैं, इनकी स्किन में फॉल्ट होता है। डिवीजन फर्स्ट में 3 क्लासेस आती हैं। क्लास फर्स्ट में स्कोटोबैक्टीरिया आते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। क्लास सेकेंड में एनोक्सी फोटोबैक्टीरिया आते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं बट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एग्जाम्पल के लिए पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। क्लास थर्ड में ऑक्सी फोटोबैक्टीरिया आते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड इवॉल्व करते हैं ऑक्सीजन, एग्जाम्पल के लिए साइनोबैक्टीरिया। डिवीजन सेकेंड में 2 क्लासेस आती हैं। क्लास फर्स्ट में फर्मी बैक्टीरिया आते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव होते हैं, रॉड और कोकाई होते हैं। क्लास सेकेंड में थैलोबैक्टीरिया आते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव होते हैं एंड ब्रांचिंग बैक्टीरिया होते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक्टिनोमाइसिटीज। डिवीजन थर्ड में एक सिंगल क्लास आती है मॉलिक्यूट्स की। मॉलिक्यूल्स सेल वॉल लेस बैक्टीरिया होते हैं, एग्जाम्पल के लिए माइकोप्लाज्मा। डिवीजन 4 में भी एक सिंगल क्लास आती है आर्किबैक्टीरिया की। आर्किबैक्टीरिया में अनयूजुअल सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन होती है। आर्किबैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बर्जेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी फर्स्ट एडिशन। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू लाइक दिस वीडियो Then please do like, share and subscribe for more such videos. And thanks for watching.